हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कहता है? ये कहता है कि एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एंड रेडियस आर इज हैविंग अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल आर एज शोन। क्या बोला इसने, ठीक से समझते हैं। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इसके चार्ज डेंसिटी है रो, और इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है रेडियस स्मॉल आर की। ओके, हमें बताना है, हमें निकालना है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहां कैविटी है मतलब चार्ज इस रीजन में तो है पर यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे में हमें पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या करें हम, कैसे बताएं? इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे, यहां पर ये कैविटी है जिसपे चार्ज जीरो है, चार्ज डेंसिटी जीरो है, हम बोलेंगे यहां पर दो चार्ज डेंसिटी है, एक रो और एक माइनस रो। मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने पे मेरे को एक पूरे स्फीयर का, मतलब जो प्लस रो है अगर मैं उसको इस रो में जोड़ दूं तो पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा मेरे पास, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। और दूसरा मेरे पास एक और स्फीयर बन जाएगा माइनस रो का, उसके लिए भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। मुझे कंप्लीट स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, आधे अधूरे स्फीयर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैंने यहां पर रो और माइनस रो दोनों मान लिया। रो मानने पे ये बड़ा वाला स्फीयर कंप्लीट हो गया, प्लस एक छोटा स्फीयर बन गया। अब पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस पॉइंट ए का डिस्टेंस चाहिए होगा सेंटर से भी और इस कैविटी के सेंटर से भी। इस कैविटी का सेंटर स्फीयर के सेंटर से ए डिस्टेंस पर है, इस सेंटर से पॉइंट ए कुछ डिस्टेंस पे होगा, इस सेंटर से पॉइंट ए कुछ डिस्टेंस पे होगा। मान लेते हैं इसको x1, इसको x2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ डेंसिटी माइनस रो। क्या मैंने यहां सही लिखा है या गड़बड़ किया? मैंने यहां बहुत गड़बड़ करी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। हमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वेक्टर एडिशन करना होगा, तो मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तब जाके आंसर मिलेगा। अब एक स्फीयर के अंदर देखिए, ये पॉइंट ए इस बड़े स्फीयर के भी अंदर है, छोटे स्फीयर के भी अंदर है। एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रो एक्स वेक्टर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। रो एक्स वेक्टर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, दो फॉर्मूले थे, एक था के क्यू एक्स बाय आर क्यूब और दूसरा रो के टर्म्स में था रो एक्स वेक्टर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने लिखा दिस इज इक्वल टू रो एक्स की जगह यहां पे क्या आएगा, एक्स वन वेक्टर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट प्लस इस माइनस रो की वजह से माइनस रो इंटू एक्स टू वेक्टर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, प्लस रो वाले स्फीयर की वजह से, क्योंकि इसकी पोजीशन x1 वेक्टर है तो रो x1 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस रो के लिए माइनस रो x2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू रो इनटू x1 वेक्टर माइनस x2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली हमें x1 वेक्टर माइनस x2 वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए मैंने डायग्राम वापस देखा। ये आपका x1 वेक्टर था, ऐसे आपका x2 वेक्टर है, और ये आपका लेट्स से a वेक्टर है। तो यहां पर मैं ट्रायंगल लॉ यूज करते हुए सीधे सीधे बोल सकता हूं कि x1 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस x2 वेक्टर। दिस इंप्लाइज x1 वेक्टर माइनस x2 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। अगर मैं इसको यहां बिठा दूं तो मुझे मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट a इज इक्वल टू रो ए वेक्टर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आया है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये x1 x2 दोनों से इंडिपेंडेंट है, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस ए वेक्टर। दैट मींस पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद सी, विद रिस्पेक्ट टू सी, सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है।
मतलब इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, रो ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स वन एक्स टू पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक कांस्टेंट है, इसलिए इस पूरी की पूरी कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी? रो ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्वेश्चन अगर आप खुद से करने जाओगे पहली बार में दिक्कत होती है, नहीं होता है, 99% लोगों से नहीं होता है, इनफैक्ट उससे ज्यादा लोगों से नहीं होता, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसी के जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन दिमाग में रखोगे, रटना नहीं है पर दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसा भी हम कुछ करते थे। और ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, अभी हमने स्फीयर के लिए बनाया, सिलेंडर के लिए बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बनेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। इनफैक्ट 4-5 साल पहले, मुझे ठीक से ईयर तो याद नहीं है, ऐसा हुआ था कि जेई मेन में भी ये क्वेश्चन आया और जेई एडवांस में भी यही क्वेश्चन आया, सेम टू सेम, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गई थी, बाकी क्वेश्चन सेम था। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार अलग अलग एग्जाम से पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है थोड़ा सा वैरी करके। सो ये क्वेश्चन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हो तो याद रखना चाहिए, फायदा होगा। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ हाफ रिंग, ओके, हैविंग टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट। ठीक, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया कि ये हमारे पास एक हाफ रिंग है, हाफ रिंग का रेडियस दे रखा है आपको, लेट से ये रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, बोला है इसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहा गया है कि इसकी एक्सिस पे एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस हाफ रिंग सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, लेट से एक्स डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट आता है, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, हमने जब कंप्लीट रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो हमने कहा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सिस के अलोंग ही आएगा, इसलिए हमने एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सीधे सीधे निगलेक्ट कर दिया था, हमें पता था कि वो सब कटकुट आके जीरो आ जाएंगे। बट यहां पर रिंग कंप्लीट नहीं है, सिर्फ सेमी सर्कल है, हाफ रिंग है, इस वजह से यहां पर ये कहना कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सिस के लॉन्ग होगा ये गलत हो जाएगा। इनफैक्ट यहां पर भी सिमेट्री की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, अंदर की तरफ वाई एक्सिस और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है, तो मैं कह सकता हूं कि वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल है, मतलब वाई एक्सिस में राइट पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी चार्ज है, नेगेटिव वाई एक्सिस में भी चार्ज है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वाई कंपोनेंट जीरो होगा, इतना मैं कह सकता हूं, लेकिन इसका एक्स कंपोनेंट भी आएगा, जेड कंपोनेंट भी आएगा। वाई कंपोनेंट जीरो होगा कुछ लोगों को समझ में आएगा डायरेक्टली, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट इस रिजल्ट का कोई यूज नहीं करने वाला हूं, इस इंट्यूशन का मैं कोई यूज नहीं करने वाला हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन में। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, जनरली जेई मेन में और नीट में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है, जेई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट जेई मेन और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे इस पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे उस इलेक्ट्रिक पहले एक डीक्यू चार्ज देना होगा, डीक्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करने होंगे, उन कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना होगा। तो मैंने सोचा मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं फिर उसके कंपोनेंट करूं, इससे बढ़िया मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में क्यों ना लिख दूं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, एक डीक्यू चार्ज लेंगे, डीक्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, उस वेक्टर फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे सीधे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, एलिमेंट लेना। तो मैंने क्या किया, इस नेगेटिव वाई एक्सिस से
थीटा एंगल पे जाकर एक डी थीटा एंगल का, ये डी थीटा एंगल है, लिखने की जगह यहां लिख देता हूं, डी थीटा एंगल का ये छोटा सा एलिमेंट लिया। मान लिया इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज आपका डी क्यू है, तो सबसे पहला टास्क जो मेरे पास अभी फिलहाल है वो क्या है, इस डी क्यू की वैल्यू निकालना। डी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला इस रिंग पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा कितना होगा, लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ। जवाब है सिंपली क्यू अपॉन पाई आर, क्योंकि रिंग की लेंथ कितनी है पाई आर, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये दिया गया है, चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट। अब इस लैम्डा का यूज करते हुए मैं इस पे डी क्यू निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे इसका लेंथ चाहिए होगा छोटा सा, तो मैं बोलूंगा डी क्यू जो है दैट इज सिंपली लैम्डा इंटू डी एल चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल कितना हो जाएगा, रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, डी थीटा है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। मैं लैम्डा को ऐसे ही रहने दे रहा हूं क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट ही है, अंत में जरूरत पड़ने पे सब कुछ कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा लैम्डा की जगह। तो मुझे डी क्यू मिल गया इस पॉइंट पे। अब मैं क्या करूंगा, इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, उसके लिए मुझे वेक्टर फॉर्म यूज करूंगा, मैं पहले ही बात कर चुका। तो वेक्टर फॉर्म के लिए मेरे को क्या चाहिए, हमें मालूम है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यू, जिसमें मुझे आर वेक्टर की जरूरत होगी। आर वेक्टर क्या है, डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, मुझे इस पॉइंट पी की पोजीशन चाहिए इस चार्ज डी क्यू के रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पी की पोजीशन लिखता हूं, क्या आएगा ये एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट। फिर मैं लिखूंगा डी क्यू की पोजीशन, डी क्यू देखिए इस सर्कल पर है मतलब वाई जेड प्लेन में, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है जीरो, वाई कंपोनेंट कितना होगा, वाई कंपोनेंट ये वाला है, वाई कंपोनेंट आपका ये वाला लेंथ होगा दैट इज आर कॉस थीटा लेकिन माइनस में, तो जीरो कॉमा माइनस आर कॉस थीटा कॉमा इसका z कंपोनेंट कितना होगा r साइन थीटा। तो इस dq का पोजीशन क्या है, जीरो कॉमा माइनस आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू dq इज r वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू, हमें रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में सबसे पहले हमने यही सीखा था कि रिलेटिव पोजीशन कैसे निकालते हैं, पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज पोजिशन ऑफ ए माइनस पोजिशन ऑफ बी, सो पोजिशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू इज पोजिशन ऑफ पी माइनस पोजिशन ऑफ डी क्यू। तो इसकी पोजिशन एक्स आई कैप है, एक्स आई कैप में से इसकी पोजिशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स आई कैप माइनस जीरो, जीरो माइनस माइनस और कॉस थीटा जे कैप, तो प्लस आर कॉस थीटा जे कैप माइनस आर साइन थीटा के क्या। आपने क्या किया, सिर्फ इस पोजीशन में से इस पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जीरो आई कैप माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, सॉरी आई कैप नहीं, ये माइनस आर कॉस थीटा जे कैप प्लस आर साइन थीटा के कैप, इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है इसकी पोजीशन से एक्स आई कैप से, तो आपको आर वेक्टर मिल गया। हमें आर भी चाहिए, तो R तो सीधे सी बात है ये वाला लेंथ ही, यहां से यहां का डिस्टेंस वो कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस R, दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों को जोड़ने पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब अगर मैं ओरिजिन को DQ को और P को जोड़ दूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसके दो साइड्स x और R है। तीसरे हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन DQ एंड P निकालना है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के भी ये आर निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस पता है, आर वेक्टर पता है, डी क्यू भी पता है, तो हमें क्या करना है, डी निकला है।
इसका मतलब क्या हो गया कि डी ई वैक्टर इज इक्वल टू के डी क्यू इज लैमडा आर डी थीटा के क्यू आर वैक्टर इज ये वाला बाय आर क्यू मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3 बाय 2 इंटू आर वैक्टर ऊपर अभी लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस आर कॉस थीटा जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप ठीक है। इसका मतलब डी वेक्टर इसमें मैं क्या करूंगा आई कैप को अलग करूंगा जे कैप को अलग करूंगा के कैप को अलग करूंगा तो डी वेक्टर इज इक्वल टू के कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट आर कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2 भी कांस्टेंट इंटू डी थीटा अच्छा आई कैप भी कांस्टेंट इंटू डी थीटा सिंपल प्लस के लैम्डा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2 जे कैप इंटू कॉस थीटा डी थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस के लैम्डा आर स्क्वायर के कैप बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो इस तरीके से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम तीनों को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में मैं ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स को अलग कर चुका हूँ तो इंटीग्रेशन थोड़ा आसान पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है थीटा पे लिमिट बिठानी है। थीटा मैंने यहाँ से मेजर करना शुरू किया है यहाँ तक जाऊँगा तो सारे एलिमेंट्स लेने के लिए मुझे 0 से 180 डिग्री या 0 से पाई तक जाना पड़ेगा। तो मैंने थीटा पे लिमिट लगाई इंटीग्रेशन में 0 से पाई 0 टू पाई 0 टू पाई। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन डी थीटा 0 टू पाई तो सिंपली पाई हो जाएगा। तो के लैम्डा पाई आर एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2 आई कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा कहां 0 से पाई कितना आएगा आप निकाल सकते हो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। साइन पाई इज 0 साइन 0 इज ऑल्सो 0 0 माइनस 0 विल बी 0 तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 माइनस के लैम्डा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। तो नहीं कॉस थीटा नहीं माइनस कॉस थीटा। अब कॉस पाई होता है माइनस 1 तो माइनस कॉस पाई हो गया 1 और कॉस 0 होता है 1 तो माइनस कॉस 0 हो गया माइनस 1। अगर आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे आएगा माइनस कॉस थीटा तो माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0 इसको कैलकुलेट करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 तो इंटू 2 और मैंने यहां पे के कैप छोड़ दिया था तो ये रहा के कैप। ये आपका आंसर है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो इस के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल के थोड़ा चेंज कर सकते हो लुक बट आंसर आपका यही है। इसको आप जिस भी फॉर्म में सिंप्लीफाई करके अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन से मैच कराइए बट दिस इज वॉट वी गेट आफ्टर इंटीग्रेशन दिस इज द आंसर। आप यहाँ लैम्डा की वैल्यू बिठा सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी है क्यू अपॉन पाई आर। इससे भी काफी चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है बट दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने किया क्या है क्वेश्चन में हमने डी क्यू की पोजिशन लिखी उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट पी की पोजिशन लिखी उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल वेक्टर फॉर्मूला लगाया। वेक्टर फॉर्म में हमने ऑलरेडी कंपोनेंट फॉर्म लिखा था तो हमें सीधे कंपोनेंट फॉर्म का इंटीग्रेशन करके आंसर मिल गया। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन दैट अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट वेरीज एज रो इज इक्वल टू रो नॉट आर। सबसे पहला हमने यहां क्या सीखा
क्या देखा, नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, सब कुछ ठीक है, बट चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन में रो नॉट इज अ कॉन्स्टेंट एंड स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज अंदर भी हो सकता है, बट वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि उसकी डेंसिटी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के साथ वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट फॉलोइंग पोजिशन. हमें इन पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. हम क्या करेंगे, पहली पोजीशन है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड द स्फीयर, और दूसरी एक स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड द स्फीयर. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले अपना डायग्राम बनाते हैं. ये हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दे रखा है कैपिटल आर. आपसे कहा गया है अगर सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है तो आपकी जो डेंसिटी है वो रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू स्मॉल आर से मिलती है. अब आपको इस सेंटर से, फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करो, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए कहा गया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए मैंने बोला कि इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर रेडियस के स्फीयर के अंदर वाले चार्ज की वजह से ही आएगा. हम डायरेक्टली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाले स्फीयर का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हमें नया फॉर्मूला डिराइव करना होगा. और डेरिवेशन के लिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहली चीज कि इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके अंदर वाले स्फीयर की वजह से ही होगा, क्योंकि बाहर वाले स्फेरिकल शेल्स की वजह से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो. तो सिर्फ ये स्मॉल आर का जो रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर है, इसी स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वही चार्ज इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो हमें जो अगला काम करना है वो ये है कि इस स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है ये बताना है. इसके लिए मैंने क्या किया, मैं सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे गया और मैंने एक पतला सा स्फेरिकल शेल कट किया. पतला सा स्फेरिकल शेल हमने यहां कट किया जिसकी थिकनेस है dx. तो यहां पर इस पतले से स्फेरिकल शेल का छोटा सा जो वॉल्यूम होगा dv, दैट इज सिंपली 4πx² × dx, बेसिकली एरिया इंटू थिकनेस. इसलिए इसके अंदर जो छोटा सा चार्ज आएगा dq, दैट इज सिंपली 4πρx² dx. अब रो कितना है, रो नॉट इंटू आर, जहां आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बट इस पॉइंट पर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है x. सो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इज सिंपली रो नॉट x. इसके यहां बिठाते हैं तो मुझे मिल जाएगा कि dq इज इक्वल टू 4πρ0x³ dx. ये छोटा सा चार्ज है. हम जीरो से लेकर स्मॉल आर तक सारा चार्ज निकालना चाहते हैं, तो हमारा जो चार्ज आएगा दैट इज इक्वल टू, या q1 कहता हूं, अंदर वाले चार्ज को मैं q1 कह दे रहा हूं, q1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4πρ0x³ dx. कहां से कहां तक, जीरो से लेकर स्मॉल आर तक. एक्स कहां तक वेरी करना चाहिए, जीरो से स्मॉल आर तक. इसको सॉल्व करके हमें मिला 4πρ0 स्मॉल आर टू पावर 4/4. सो दैट इज, दिस इंप्लाइज क्यू वन इज इक्वल टू πρ0 आर टू पावर 4. ये आपका चार्ज क्यू वन है इस स्फीयर के अंदर. अब इस q1 की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला लगा देंगे. सो दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू के q1 बाय स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k की जगह 1/4πε0, q1 की जगह πρ0 r टू पावर 4 बाय r स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू पाई पाई चला गया, रो नॉट आर स्क्वायर बाय 4ε0. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया पॉइंट ए पर, ऐसा पॉइंट जहां पर आपका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर इज लेस देन
कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ द स्फेयर, मतलब स्फेयर के अंदर वाला पॉइंट. सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है टू फाइंड द सेम सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब हम स्फेयर के बाहर है. तो अगर मैं स्फेयर के बाहर के पॉइंट्स के बारे में बात करूं, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी के लिए मुझे इस पूरे स्फेयर का चार्ज चाहिए होगा. इस पूरे स्फेयर के चार्ज को मैं क्यू बोल दे रहा हूं, सिर्फ अंदर वाले को क्यू वन कहा था, पूरे को क्यू कह रहा हूं. तो पूरा चार्ज क्यू कैसे निकलेगा, क्यू निकलेगा बाय इंटीग्रेशन डी क्यू 4 पाई रो नॉट एक्स क्यू डी एक्स. बस इसमें जो लिमिट है वो जीरो से स्मॉल आर की जगह जीरो से कैपिटल आर तक लगेगी. सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट आर टू पावर 4 बाय 4. सो दैट इज पाई रो नॉट कैपिटल आर टू पावर 4. ये आपका चार्ज आ गया. अब पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के पाई रो नॉट आर टू पावर 4 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. आप चाहो तो यहां पर भी के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखकर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ये आपके दोनों एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ये अंदर वाले पॉइंट के लिए और ये बाहर वाले पॉइंट्स के लिए. क्वेश्चन काफी आसान है, बस एक चीज समझने की है कि अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज के लिए हम लोगों ने डिराइव किया है. हम लोगों ने जो सॉलिड स्फीयर के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया था, अंदर का फॉर्मूला था रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज के लिए वैलिड था. नॉन यूनिफॉर्म में हमें जो प्रोसेस रिपीट करना होगा कुछ इसी तरीके से. हो सकता है यहाँ पे आपके पास रो नॉट आर की जगह रो नॉट इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाता, या रो नॉट आर स्क्वायर हो जाता. बहुत अलग अलग तरीके से आपके चार्ज डेंसिटी को वैरी कराया जा सकता था, पर जैसा भी हो अल्टीमेटली सिर्फ इंटीग्रेशन में फर्क पड़ेगा, बाकी प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा.